पंजाब अबोर शाह का बढ़िया सा ब्रेकफास्ट दिखाने जा रहे हो, जिसमें 39 रुपीज में भटूरे छोले, 20 रुपए में कचौरी, 15 रुपए में टिक्की छोले। जैसे रेट सुन के कमाल होगी ना, वैसे वीडियो भी कमाल है, तो अंत तक बने रहो। भाई साहब सुबह का माहौल हो चुका है बढ़िया दौर, हम आपको दिखाने के लिए लेकर आए बढ़िया बढ़िया भटूरे छोले। मैं कह साज की दाल के दिन जेड़े लोग दूरों दूरों आ रहे थोड़े भटूरे छोले खाने लिए। हमारे दाल के भटूरे होते हैं, माँ के दाल के भटूरे होते हैं। भाजी माँ की दाल वाली तो पूड़ियाँ होंगे, तुम भटूरे खुवाई जाने हो? नहीं, हम तो भटूरे बना रहे हैं, हमारे बहुत टेस्टी भटूरे होते हैं। और कितना देर हो गया शादी काम करते? हमारे को 35 साल हो गए। 35 साल तो लोगों ने इतना ही माँ की दाल वाली फिलिंग वाले भटूरे खवाई जाने जी। सबसे पहले तो भटूरों को हाफ फ्राई किया जा रहा है, ये चेक करना, और माहौल चेक करना, लोगों की दीवानगी चेक करना, तो भी लग चुकी है और भटूरे बनने से पहले बिक चुके हैं। भाई साहब ये चेक करना, फुल फ्राई होने के लिए बड़े से कढ़ाए में आ चुके हैं, और ये चेक करना कढ़ाया, चेक करना एकदम बढ़िया से ट्रक पे ट्राया, जितना बड़ा कढ़ाया रहने वाला है, और एकदम बढ़िया सी पूड़ियां फूल चुकी हैं। अभी गोल्डन रंग आने तक, मतलब सुनहरी रंग आने तक इनको फुलाया जाएगा, यानी कि एकदम बढ़िया से ये प्यार से फूल चुकी हैं। अब सुनहरी रंग आ चुका है पूड़ियों के ऊपर, और ये चेक कर ला दीवानगी, और ये तेल चेक करना एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑयल रहने वाला है, मतलब एकदम बढ़िया से आपको भटूरे मिलने वाले यहाँ पर माँ की दाल की फीलिंग वाले, और साथ ही में पैकिंग चालू है। भटूरे सर तुसी देख ले, हम छोले देखो साडे तड़के वाले छोले होंगे, और आ चेक करो एकदम बढ़िया ऐसे छोले हैं, मतलब पनीर पाया छोले में। हाँ जी हाँ जी, छोले पनीर की सब्जी होगी, पालक की ग्रेवी वाली। अच्छा छोले में पालक की ग्रेवी भी हैगी। हाँ जी, ये साड़ा स्पेशल अचार होंगे जी, अंब का छिलिया हुआ अंब का अचार है, थोड़ी प्लेट तैयार करन जा रहे हैं जी। आ छोले देखो जी, लो सब तो पहले आ गए छोले, पनीर देखो ऊपर फुल है जी। क्या बात है जी, पनीर एंड छोले, और उस बाद तो बाद अचार आएगा जी छिले हुए। लो जी अंब का अचार आ गया, तो गर्मियां दे सीजन में अंब का अचार, और नाल आ गया जी प्याज, और यहाँ पर आ गए गर्मा गर्म सिक गोल मटोल भटूरे। मैं कहा भाजी एक ही भटूरा खा के बंदे का पेट भर जाना, हैवी ड्यूटी भटूरा रहने वाला जी। सर की प्राइस है प्लेट का? सर सुबह 9 to 11:39 की प्लेट होंगी है, 11:70 भी हो जाती है, 2 घंटे वास्ते कीम चल रही है। तो भाई साहब मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर के लिए इन्होंने बढ़िया सी ऑफर निकाल दी, वैसे तो ये प्लेट है 70 रुपए की, पर जेडी मेरे ऑडियंस वीडियो देख के आएगी उन्होंने मिलेगी 2 घंटे वास्ते, मतलब 39 रुपए की। मैं यकीन कर रहा हूं दो बड़े बड़े भटूरे ही लेन जाओ ना, 100 रुपए की प्लेट मिल जाती है नॉर्मल, पर इतने तुसी मतलब सिर्फ 70 रुपए में, वो भी जे सवेरे आओगे 39 जी। क्या बात है जी, सर लोकेशन कितने करके हैगी जी? जनता स्वीट हाउस सरपुलर रोड अबोर, टाइमिंग सुबह 8:30 to 10 तक होती है। तो भाई साहब बढ़िया सी प्लेट बनकर रेडी हो चुके, और साडे नाल जुड़ चुके स्वाद आ गया ओए तो अनमोल पाजी, और भटूरा चेक करो जी, ओए होए होए एकदम हैवी ड्यूटी भटूरा जी, मतलब एक भटूरा खा के बंदे का ढिड भर जाएगा। मैं कहना सवेरे सवेरे आके जे बंदे ने दो भटूरे खा ले उस तो बाद लोड ही नहीं किसी चीज की। क्या बात है, और भटूरा एकदम क्रिस्पी, और एक मिनट अंगे चेक करना चाहूंगा, आ देखो जी माँ दी दाल दी फीलिंग कीती हुई है, और नाल सर कह रहे सी विच कर पनीर दी स्टफिंग हैगी जी, और भाई साहब एकदम बढ़िया सी बाइट बनाते हैं, ये चेक करना जी पनीर भी है छोले भी है, और कहंदे पंजाबियों दी जान शान आन बान पनीर, और ऊपर डाले थोड़ा प्याज, और भाई तुम भी नाल ट्राई करो यार। बिल्कुल बिल्कुल भाई करो तुम। तो भाई साहब पूरी जैसे भी ये भटूरा रहने वाला एकदम क्रिस्पी सा, जेडी माँ दी दाल दी फीलिंग पाई है, जेडे मसाले डाले वो बढ़िया सा बैलेंस में फ्लेवर आ रहा है, नाल जेडे चने है ना तड़का बढ़िया लाला है, कह सकते एक बढ़िया जायका तुहानू किफायती दाम ते मिलन जा रहा है। लोकेशन है ये सर सर्कुलर रोड 9 नंबर गली घंटा घर तो बिल्कुल बाहर आंदे स्टेशन वाली गली से। बढ़िया से गर्मा गर्म भटूरे खाने के बाद अब ट्राई कर रहे हैं कचौरी, तो पहले कचौरी बनती देखते हैं, और उसके बाद एक इनके पास वो वाली ड्रिंक भी है भटूरों का हैंगओवर ताने वाली, ये चेक करना। कचोरी बन रही है पाजी, की पाया जा रहा है कचोरी दे? कचोरी च मसाला भरया जा रहा है जी, दाल दा मसाला केड़ा जी? ये दाल दा मसाला होंदा जी, दिखाऊंगे जरा मसाले विच की पाया होंदा जी, ए प्याज है धनिया है हरी मिर्चा है, और ये फीलिंग होने जा रही है। सबसे पहले मैदे को बढ़िया से हाथों के साथ फुलाया, और उसके बाद माँ के दाल की जो फीलिंग है इसके बीच में भर दी गई है, और एकदम बढ़िया से भर के एकदम गोल मटोल कर दिया गया, और ये दूसरा पेड़ा ले लिया गया, और इसके बीच में भी सेम प्रोसेस, तो लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है, मतलब एकदम बढ़िया से ताजी ताजी कचौरियां बनाकर आप लोगों को खिलाते हो। हाँ जी, और अब इसको फ्राई होने का जो प्रोसेस है वो होने वाला है, ये चेक करो अब बढ़िया से गोल मटोल पेड़े को एकदम बढ़िया से फ्लैटन करके, ये चेक करो जी कचौरी नहीं कचौड़ा मैं देख रहा जी, मतलब दो कचौरी खा के बंदे का ढिड भर जाऊगा। हां जी, एक नाल ही भर जांदा जी, एक दे नाल ही भर जांदा जी। हां जी, तीन दो भी खा जांदे ने,
और सर एक केड़े की विच फ्राई हो रहा है? ए रिफाइंड है जी। और रिफाइंड विच बढ़िया तरीके ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਡੋ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਜਵਾਇਣ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਫਿੰਗ ਭਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੱਪ ਥਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਚੋਰੀਓ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀਆ ਸੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਚੋਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀਆ ਸੇ ਕਚੋਰੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਕਚੋਰੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਜੀ। अच्छा जी, पर भाजी की प्राइस है कचोरी का? 20 रुपए जी। 20 रुपए? भाई सोना तो हो गया एकदम बढ़िया महंगे वाला, पर तुसी कचोरियां 20 रुपए जी खिला रहे हो? लोग सोने वर्गे ने। क्या बात है। और लोका दी दीवानगी चेक कर लो जी। कचोरी तैयार है जी, ये 20 रुपए की कचोरी एक है। और भाई साहब एकदम बढ़िया से गर्मा गर्म कचोरी आ चुकी है जी। भाजी एक बार घूंघट हटाई है ते अंदरों दी दिखाइए जरा। ओए होए, जेड़ी दाल दी फिलिंग कीती गई सी ना, ओए होए क्या बात है, एकदम बढ़िया सी लुक है और एकदम गर्मा गर्म हाथ विच नहीं पकड़ी जा रही। ऊपर आ गई मिठी चटनी। हां दही आ गए जी। अरे भाई साहब हरी चटनी आ गई जी। ਭਾਜੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਚੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਚਾਲੂ ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਚੋਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਲਿੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਫੁੱਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਟੂਰੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਟੂਰੇ ਦੇ ਹੈਂਗਓਵਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਾਂਜੀ ਬੱਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਜੀ ਬੱਲਾ ਇਹ ਸਵਾਸਥ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਂਜੀ ਬੱਲਾ ਔਰ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਦਾਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਰ ਆ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਇਹ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲਗੱਪੇ। ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਬਣ ਰਹੇ। ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਪਾਏ ਜੀ। ਆਲੂ ਡਾਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਪਰ ਡਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਔਰ ਬੜੀਆ ਸੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਲਗੱਪੇ, ਭਰਵੇਂ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਤਿੱਖੀ ਚਟਨੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ। ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਉੱਪਰ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਵੀ ਪਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਲੇਟ ਦਾ? 40 ਰੁਪਏ। 40 ਰੁਪਏ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕੇ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੱਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਚੋੜਦੇ ਆ ਐਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਆਲੂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਜੀ ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਆਹ ਚਟਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁੜ ਇਮਲੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਪਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਉੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਪਾਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਪਲੇਟ। ਮੈਂ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੀਆ ਸੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐਚ ਵੀ ਬੂੰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ? ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖੱਟਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿਓਰ ਆਰੋ ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਗੱਪਾ। ਹਿੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਟੇ ਪਣ ਨਾਲ ਦਿਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੇਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਟੇਸਟ ਦੀ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਕਚੋਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ 20 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਚੀਅਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕਚੋਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਉਸਕਾ ਫਲੇਵਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਚੋਰੀ ਇੱਕਦਮ ਖਸਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਦਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪਾਈਸੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਵਾ ਦਈ ਆ। ਮਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ? ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ 11 ਨੰਬਰ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਪਹਿਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਕੀ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਕੀ ਬੜੀਆ ਬੜੀਆ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਟਿੱਕੜੀ ਲਗਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੋ ਆਲੂ ਕਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਬੀਜ ਮੇ ਮਸਾਲੇ ਡਾਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਇਸਕੋ ਹਾਥੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਦਬਾ ਕਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਸੇ ਕੜਾਏ ਕੇ ਬੀਜ ਮੇ ਰੱਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੜਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਬੜੀਆ ਸਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤਵਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਕਾ ਟਾਇਰ ਹੋਤਾ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸਾਈਕ ਹੈ ਜੇ ਤਵਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਔਰ ਟਿੱਕੀ ਕੇ ਬੀਜ ਮੇ ਮਸਾਲੇ ਡਾਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਮਟਰ ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੜੀਆ ਸੇ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਓਇਲ ਮੇ ਟਿੱਕੀਓ ਕੋ ਫਰਾਈ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਆਨੇ ਤੱਕ।
पांच पैसे दी। हाँ जी पुरानी दुकान है जी, बहुत पुरानी दुकान। क्या बात है, पांच पैसे तो आज हूं 15 रुपए हो गई है, पर फिर भी आज भी रेट जे आज दी महंगाई दे विच सही रीजनेबल प्राइस है, नु हर कोई बंदा अफोर्ड कर लंदा है, गरीब बंदा भी खा सकता है अमीर बंदा भी खा सकता है। 5 रुपए दो तो मेरी खादी भी। और भाई साहब ये गर्मा गर्म टिक्की सिकर बाहर आ चुकी है, ये चेक कर लेना। ये कल टिक्की खा ली ना, दोपहर तक रोटी खाने की लोड़ नहीं, रोटी शाम को खाओगे। दो टिक्कियां लेके 30 रुपए विच सब्जी की लोड़ नहीं, रोटी देना मैं खा सकता। चने विच की खासियत हुंदी है? खासियत है देसी चने है राजस्थान वाले जेड़े के करारे बंदे बस सब तरह के नॉर्मल जेड़े कलर को भी है विदाउट प्याज विदाउट लहसुन। अच्छा विदाउट प्याज विदाउट लहसुन, हां जी क्या बात है सर। लगाइए एक प्लेट जरा, लो जी आ टिक्की आ गई, टिक्कियां विच आ गई गर्मा गर्म चने, ये तड़के वाले चने और ऊपर आ गई मिठी वाली चटनी और ये आ गई सैलड और एकदम बढ़िया सी टिक्की वाली चने वाली प्लेट तैयार है जी। प्राइस की हुंदा पर 15। ओ क्या बात है, 15 रुपए विच तुहानू मिलन वाली बढ़िया टिक्की छोले और आ चने दी चेक करो लुक, एदे विच मिर्चा पाईया मसाले गए और आ देखो फिर मिठी चटनी और ऊपर आ गया जी प्याज और ऊपर नाल मिर्ची आ गई जी, मतलब आ लगातार प्लेटा लगी जा रही है, एक मिनट भी वेल नहीं है, और छोले आ गए द्वार तो और मिठी चटनी गुड़ दी है इमली दी है गोड़ इमली दोनों दी है, एकदम प्यारा सा जायका है जी। और भाई साहब यहाँ पर ऐसे लगातार पैकिंग चलती रहती है, ये चेक करना जी टिक्कियाँ पैक हो रही है जी और चने आ गए पैक हो गए और आ देखो जी इतने सुनहरे रंग दी टिक्कियां, ये हौली हौली मतलब मध्य आंच उत्ते पकाई जाती है जिदे करके इहदा जो क्रिस्पीनेस आ जो स्वाद आ होर बढ़ के आंदा जी। नाम की है जी? लंगरी टिक्की बंदे। उसे टाइमिंग की है? 1100 फोन नंबर 9779934560। चाट वाली प्लेट लगकर तैयार है जी और एकदम बढ़िया से चनों का घूंघट हटाया और ये टिक्की के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, सिंपल आलू और आलू के बीज में मसाले मटर डाले गए हैं। और भाई साहब यहाँ पर दीवानगी चेक कर लो और मेरी प्लेट लगकर हाजिर हो चुकी है, एकदम बढ़िया से खस्ता करारी कुरकुरी टिक्की आ चुकी है ऊपर चने डालकर, एकदम बढ़िया सी टिक्की ट्राई करते जी। टिक्की का एकदम कुरकुरापन, बीच में मसाले डाले गए हैं मटर डाला गया तो रे सुन के आप दंग रह जाओ कि 2024 में भी ये 15 रुपए में बढ़िया सी टिक्की विद छोले खिला रहे हैं और दीवानगी ऐसे नहीं है, इस जायके के लिए लोग बढ़िया से लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। मैं कह जी पाजी मज़ा आ गया थोड़ी टिक्की खा के, रूह खुश होगी दिल खुश हो गया जी। और दोस्तों तुसी इनू ट्राई कर सकते हो, लोकेशन कितने हैगी जी? लोकेशन सर मेन बाजार सर्कुलर रोड गल नंबर 11 कॉर्नर लंगरी टिक्की भंडार। और दोस्तों आके ट्राई करना और ऐसे हम दोस्तों आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे, सो टिल देन टेक केयर गुड बाय सारे।